वेलकम टू एजे स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश क्लास टेंथ फर्स्ट फ्लाइट के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस लेसन के डिस्कस करने वाले हैं। तो कृपया वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पोएम के पोएट कौन है? तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द क्रो से ऑन द पोएट। कौवे ने कवि के ऊपर क्या गिराया? तो जो इसका राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय। डस्ट ऑफ स्नो से पोएट पर क्या इफेक्ट पड़ा? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेंजिंग हिज मूड। उससे कवि का मूड परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द क्रो सिटिंग। क्रो कहाँ बैठा हुआ था? तो क्रो बैठा हुआ था हेमलॉक ट्री पर, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज द पोएट सेव्ड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। कवि ने डस्ट ऑफ स्नो पोएम में क्या बचाया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सम पार्ट ऑफ द डे। अब हम फायर एंड आइस पोएम के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु हैज रिटन द पोएम फायर एंड आइस। यानी फायर एंड आइस पोएम को किसने लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम को भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस। आइस किसको सिंबलाइज करता है? तो इसका राइट आंसर है हैट्रेड, यानी ऑप्शन नंबर बी, हैट्रेड इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज फायर सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस। फायर किस चीज को सिंबलाइज करता है? तो फायर सिंबलाइज करता है डिजायर को। डिजायर मीन्स इच्छाओं को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस। पेरिस का मतलब क्या होता है? पेरिस का मीन्स होता है डाई, यानी मृत्यु। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है, डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट विल एंड वन डे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार एक दिन क्या खत्म हो जाएगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है इसका आंसर है वर्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए, वर्ड। यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार एक दिन दुनिया का ही अंत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो पोएम के डिस्कस किए हैं। तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखें और एक दो बार रिवीजन करने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।